आज हम 4X ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसका जो मेजरमेंट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स टोटल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो हम आप लोग को बताएंगे और बताएंगे कि इसमें क्रॉस बेल्ट भी कैसे अटैच किया जाता है। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाय, मैं स्वस्ति, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये देखिए कॉटन साड़ी का ये ब्लाउज पीस है जो कि सिर्फ 80 सेंटीमीटर कपड़ा है। तो हमको 44 साइज़ का रेडी करना है। तो ये देखिए इसकी कमर 40 है। तो इसका तीसरा भाग ले लेंगे 13.2 इंच। इसकी लेंथ 15 रेडी करनी है तो 15.5 ले लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये देखिए उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ले लेंगे और शोल्डर 6 इंच ले लेंगे। नेक लेंथ यहाँ पे 5.5 इंच ले लेंगे और नेक की विड्थ है वो 2.5 इंच ले लेंगे। और उसके बाद आर्म होल 6 इंच ले लेंगे। नेक का लेंथ अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप डीप कर सकते हैं। तो ये देखिए आर्म होल हम 6 इंच ले लेंगे और चेस्ट 44 इंच रेडी करना है। तो उसका चौथा भाग 11 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो टोटल 13 इंच हो गया और 1 इंच आर्म होल की गोलाई दे देंगे। उसके बाद नेक को राउंड शेप में बनाना है तो राउंड शेप दे देंगे। और ये जो देखिए टक्स का जो पॉइंट है वो 3 इंच पे दे देंगे और टक्स लेंथ जो होगा वो 2.5 इंच ले लेंगे। तो ये फर्स्ट टक्स कंप्लीट हुआ। अब दूसरा ले लेंगे। दूसरा टक्स की जो चौड़ाई हो 4.5 इंच ले लेंगे और इसकी लंबाई 5 इंच ले लेंगे। और ये जो टक्स लगाए हैं ठीक उसके ऊपर से 1.5 इंच पे पॉइंट लगा देंगे और साइड से 3 इंच पे और उसके बाद इसका तिरछा लाइन खींच देंगे। तो ये तीसरा टक्स हो गया। और लास्ट टक्स जो है वो आर्म होल के पास से लिया जाता है तो वो 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए ये चारों टक्स कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए एक साइड तो टक्स का पॉइंट लगा हुआ है। अब दूसरे साइड भी टक्स का पॉइंट लगा देंगे। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लिए हैं। अब जैसे जैसे जहाँ पे लगा हुआ है ठीक पीछे देख के उसी जगह पे टक्स लगा देंगे ताकि जब टक्स हम सिलाई करेंगे तो थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। पूरा सेम दोनों का जगह सेम रहेगा। तो लाइनिंग का जो कपड़ा होता है उसमें तो इधर उधर दोनों दिख जाता है पर ये साड़ी का कपड़ा है तो नहीं दिख रहा है। तो आप ठीक उसी पॉइंट पे टक्स लगा लीजिए। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। बाद में हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और काज पट्टी की। तो ये देखिए पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ ले लेंगे 15.5 इंच। और उसके बाद नेक की जो लेंथ है वो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ले लेंगे और आर्म होल 6 इंच ले लेंगे जैसे फ्रंट पार्ट में लिए थे। तो आर्म होल की गोलाई बैक पार्ट में 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे और उसके बाद फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको राउंड नेक बनाना है तो राउंड शेप दे देंगे और उसके बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसमें टक्स का पॉइंट दे देंगे। तो 5 इंच पे पार्ट दे देंगे और इसकी लेंथ होगी वो भी 5 इंच होगी। तो दोनों साइड बना लेंगे। तो हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए 4 फोल्ड कपड़ा कर दिए हैं और 1 इंच वो जो मार्जिन के लिए होगा वो होगा और 5.5 इंच ले लेंगे। 5 इंच टोटल रेडी करना है। तो 1 इंच फोल्ड होगा और ½ इंच सिलाई में जाएगा। तो 6.5 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और उसके बाद 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से भी 2.5 इंच पे और उसके बाद स्लीव्स का शेप दे देंगे। थोड़ा सा डीप कर देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो पहले एक साथ कटिंग कर लेंगे दोनों की, ये देखिए। उसके बाद इसका सेंटर निकाल देंगे और उसके बाद फ्रंट पार्ट का जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा डीप कर देंगे। और चूँकि इसमें कपड़ा कम है और ये जो 40 साइज़ की बनानी है तो फिर इसका स्लीव्स का जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। तो इसमें ये कपड़ा जोड़ देंगे। अब बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे लेंथ और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 13 इंच ले लेंगे। और फिर दूसरे साइड 3.5 इंच ले लेंगे और उसके बाद एक तिरछा लाइन खींच लेंगे। अब इसमें जो क्रॉस बेल्ट का शेप होता है वो शेप बना देंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड का बेल्ट का कटिंग हो गया है। अब ये बैक पार्ट का जो बेल्ट लगेगा वो है। अब हम काज पट्टी ले लेंगे। तो काज पट्टी 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बटन पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और नेक में पाइपिंग देने के लिए क्रॉस पट्टी लगभग 1.25 इंच 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। तो 1.2 इंच पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद तिरछा पट्टी काट लेंगे। तो ये जो पाइपिंग बनाएंगे आज हम बिना डोरी की पाइपिंग बनाएंगे और बताएंगे कि बिना डोरी का भी पाइपिंग बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो इस तरह पूरा ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे और हम इसमें टक्स लगा लेंगे। तो जहाँ जहाँ मार्क किया हुआ है ठीक उसके ऊपर टक्स लगा लेंगे। तो ये देखिए चारों टक्स लग गया है। अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो 4.5 इंच जो लंबाई था वहाँ पे 3.5 इंच ले लेंगे और जहाँ पे 4 इंच था वहाँ पे 3 इंच ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐसे रख देंगे। और उसके बाद ऊपर की तरफ से सिलाई करते हुए आएंगे। जैसे जैसे मार्क किया हुआ है ना ठीक उसी के ऊपर सिलाई करेंगे। तो ऐसे ये परफेक्ट बैठेगा। तो ये देखिए पूरा सीधा है। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद फिर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और नीचे से भी सिलाई कर देंगे। अब ये राइट साइड है। तो राइट साइड हमेशा बटन पट्टी लगती है। तो हम बटन पट्टी रेडी कर लेंगे। कपड़ा को 2 फोल्ड कर देंगे और ऊपर से डाल के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद एक सिलाई ऊपर से कर देंगे और फिर अंदर की तरफ उल्टा साइड इसको फोल्ड करके मोड़ देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए बटन पट्टी बन के रेडी हो गई है। अब हम दूसरा साइड का रेडी करेंगे, लेफ्ट साइड का। तो सेम इसी तरह इसमें भी टक्स लगा लेंगे। तो ये देखिए इसमें भी टक्स लग गया है। अब हम जैसे उसमें क्रॉस बेल्ट अटैच किए थे सेम उसी तरह करेंगे। आधा इंच कम ले लेंगे, जहाँ 4 था वह 3.5 ले लेंगे और जहाँ 3.5 था वहाँ 3 इंच ले लेंगे। और उसके बाद बेल्ट रख के इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच लेंगे और फिर इसको ऊपर की तरफ करके और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। जहाँ पे मार्क किया हुआ है ठीक उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इसको सीधा करके एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है थोड़ा, तो इसको सिलाई खोल देंगे। हम आपको करके दिखा रहे हैं। थोड़ा भी ऐसे ऊपर नीचे हो गया तो इसको खोल के फिर इसके ऊपर सिलाई कर लीजिएगा। और ये देखिए ये पूरा परफेक्ट हो गया है। तो हम इसको सीधा कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। क्रॉस बेल्ट बहुत तरह से अटैच होता है, पर ये जो बेल्ट है ये इसमें उल्टा साइड भी नहीं दिखता है और एकदम बहुत अच्छा बैठ के रेडी होता है। तो हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और फिर नीचे भी सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये सिलाई नहीं खुलेगा, पर ये इसका लुक देखने में अच्छा लगता है इसके ऊपर सिलाई लगाने से। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के हटा देंगे। अब इसमें हम काज पट्टी बनाएंगे। तो वो तो हम बताए थे 3 इंच 3.5 इंच का बेल्ट ले लेंगे और उसके बाद उल्टा तरफ रख के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर इसके ऊपर सीधा करके एक बार सिलाई लगा लेंगे। अब इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और उसके बाद एक और फोल्ड करके फिर सिलाई लगा देंगे। अब डबल सिलाई कर देंगे। अब इसको बराबर करके काट लेंगे। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बटन पट्टी और काज पट्टी जो दोनों बनी हुई है ठीक उसके ऊपर मैच कर लेंगे और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हटा देंगे। तो ये पूरा गला दोनों तरफ परफेक्ट रहेगा, कोई भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो जहाँ पे टक्स पॉइंट दिया हुआ था ठीक उसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब दूसरे साइड भी सेम वैसे ही टक्स लगा देंगे। और अब हम इसमें जो 2 से 2.5 इंच की पट्टी थी उसको डबल कर देंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे। अब चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, पर यह सेम कलर है तो मैचिंग पाइपिंग इसमें नहीं लगाएंगे। तो इसको अंदर की तरफ मोड़ के उसके बाद इसमें बाद में हेम कर देंगे। तो ये देखिए एक बार ऊपर से सिलाई कर देंगे और उसके बाद इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और सिलाई कर देंगे। थोड़ा सा मोटा सिलाई करेंगे ताकि ये सिलाई बाद में खोल देंगे और इसमें हेम कर देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर ऐसे सिलाई कर देने से फिर सिलाई करने में दिक्कत नहीं होता है। अब हम इसका शोल्डर अटैच कर देंगे। और उसके बाद साइड से भी इसको अटैच करेंगे। साइड से लगभग 2 से 2.5 इंच छोड़ के उसके बाद सिलाई लगा देंगे और इसकी फिटिंग सबसे लास्ट में करेंगे जब स्लीव्स पाइपिंग वगैरह सब लग जाएगी। उसके बाद आपको हम फिटिंग बताएंगे कि कैसे फिटिंग किया जाता है। तो फिर हम दूसरे साइड भी शोल्डर अटैच कर देंगे और इस साइड भी 2 से 2.5 इंच मार्जिन छोड़ के उसके बाद सिलाई लगा देंगे। तो पूरा लास्ट तक सिलाई नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि इसमें स्लीव्स अच्छे से अटैच हो जाए। तो अब हम पाइपिंग बना लेंगे। तो ये देखिए जो तिरछा पट्टी थी छोटा छोटा, उसको हम जोड़ लेंगे। इसको एकदम सीधा रख के जोड़ना है, बिल्कुल भी तिरछा नहीं जोड़ना है। तो ये देखिए पट्टी रेडी हो गया है। अब हम जिधर काज पट्टी है उधर से स्टार्ट करेंगे, तो इसको डबल कर देंगे और उसके बाद पूरा में सिलाई लगाते जाएंगे। इसको खींच के बिल्कुल नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर ये सिकुड़ा सिकुड़ा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो हम बताएंगे कि बिना डोरी के भी पाइपिंग बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। अगर आपको डोरी वाली पसंद है तो डोरी डाल के भी लगा सकते हैं, नहीं तो बिना डोरी का भी अच्छा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पूरा में काट के हटा देंगे और ध्यान रखिए कि अलग से दूसरा कपड़ा नहीं कटे। तो ये देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये पूरा हेम हो जाएगा इसमें। अब पाइपिंग कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। ये जो सिलाई था उसको ऊपर की तरफ कर देंगे और उसके बाद जो तिरछा पट्टी थी उसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए ये पाइपिंग ऐसे बन के रेडी होगा। हम एकदम पास से आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इसी तरह पूरा में हम पाइपिंग लगा लेंगे। जो सिलाई वाला पार्ट था उसको ऊपर की तरफ कर देंगे जिसमें पाइपिंग लग रही है और उसके बाद इसको सिलाई करते जाएंगे। तो ये देखिए इसमें पाइपिंग कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए हम आपको सीधा करके दिखा रहे हैं कितना अच्छा पाइपिंग रेडी हुआ है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा कपड़ा इसमें जोड़ना होगा क्योंकि बड़े साइज की ब्लाउज बनाना है और कपड़ा 80 सेंटीमीटर ही था, तो कपड़ा काफ़ी कम था। तो हम इसमें साइड से दोनों साइड से इसको अटैच कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हटा देंगे। अब इसी तरह दूसरे साइड भी इसको जोड़ देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा देंगे। अब दूसरे स्लीव्स को भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे, दोनों साइड से जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये स्लीव्स भी रेडी हो गया है। अब एक चीज़ का हमेशा याद रखिए, जैसे ये तो मेरा सीधा कपड़ा था, इसमें डिजाइन बनी हुई थी तो पता नहीं चला। तो ये जो डीप बनाया हुआ है दोनों एक तरफ होना चाहिए फ्रंट का, और जो बैक का है वो दूसरे तरफ, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो ये देखिए 1 इंच इसमें मार्जिन छोड़ना था, गैप छोड़ना था, और ऊपर ½ इंच मार्जिन के लिए है। तो ये जो 1 इंच है इसको तो फोल्ड कर देंगे और बाद में इसमें हेम कर देंगे, तो हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इधर फ्रंट पार्ट का सेंटर है और इसका सेंटर, दोनों को मिलाते हुए फिर इसको अटैच कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट का जो डिप किया हुआ है बाजू में वो और फ्रंट पार्ट दोनों को एक साथ रख के फिर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों सेंटर मैच हो रहा है, दोनों एक ही जगह पे आया है, तो इसी तरह सिलाई करेंगे। या फिर आप सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं सिलाई के लिए। अब हम इसमें डबल सिलाई कर लेंगे ताकि ये मजबूत हो। अब जो आर्म होल के पास से सिलाई छोड़ा हुआ था वहाँ से सिलाई पहले एक सिलाई लगा देंगे, बाद में सबसे लास्ट में। पहले भी मैंने बताया था कि फिटिंग सबसे लास्ट में करेंगे। तो पहले अभी सिर्फ हम इसको अटैच कर रहे हैं, अब दूसरे साइड भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो दोनों सेंटर को मिलाते हुए फिर नीचे तक जाएंगे और उसके बाद नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इसमें भी हम डबल सिलाई कर लिए हैं। अब इसको भी आर्म होल के पास से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें 1 इंच का जो फोल्ड करना था हम उस पर मार्क नहीं किए थे, तो मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसको मोड़ देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हटा देंगे। तो ये ब्लाउज पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। तो हम फिटिंग करेंगे, तो इसकी फिटिंग जो है वो 7 इंच पे करना है। तो दोनों स्लीव्स का पहले 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। और आर्म होल हमको 9.5 इंच रेडी चाहिए, तो 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और सबसे लास्ट में कमर, तो कमर नाप लेंगे। तो हमको 39 से थोड़ा सा ज़्यादा रेडी करना है। तो ये देखिए 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा है, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो दोनों साइड से पहले हम माप के देख लेंगे दोनों का सेंटर मैच हो रहा है। तो ½ इंच पे मार्क करेंगे ताकि ½ इंच और ½ इंच मिला के 1 इंच हो जाएगा, और ½ इंच उधर कर देंगे तो 2 इंच फिटिंग हो जाएगा। तो पहले एक सिलाई लगा देते हैं और उसके बाद जो मार्क किया हुआ है ठीक उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह ये पूरा फिटिंग रेडी होगा। हम इसमें 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा किए हैं ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसको खोल सकते हैं। अब हम इसको दोनों को पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और उसके बाद सिलाई कर देंगे। तो एक साइड का पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे साइड भी आधा इंच पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे और बाद में लास्ट सिलाई लगा देंगे जो कि फिटिंग वाली होगी। तो ये देखिए जो पीछे आर्म होल का मार्क किया हुआ था उसके ऊपर मार्क कर लेंगे और ये 7 इंच पे। तो एक सिलाई हो गया। अब एक फाइनल सिलाई कर देंगे। तो इस तरह ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया। अब हम साइड में जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया। अब एक बार हम माप के आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए 39 साढ़े 39 हमको रेडी चाहिए था, तो साढ़े 39 रेडी हो चुका है। तो हम सीधा करके दिखा रहे हैं ब्लाउज। ये पूरा परफेक्ट है। आप इसको जब बनाएंगे और पहन के देखेंगे तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट ब्लाउज बैठेगी। और कितना ही सिंपल तरीके से हम आपको बताए हैं। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट भी कितना अच्छा रेडी हुआ है। अगर आप चाहें तो इस ब्लाउज को 38 साइज भी रेडी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा साइड से इसको आधा इंच पे सिलाई कर देंगे तो फिर 38 साइज की ब्लाउज रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए कितना अच्छा ब्लाउज बन के रेडी हुआ है। एकदम परफेक्ट माप से बना है और एकदम बहुत अच्छा ब्लाउज बन के रेडी हुआ है। तो आप सबको ये ब्लाउज की वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आप सबसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।